मस्ती की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। देखिए यहाँ पर करनी है आपको मस्ती और साथ ही दूसरा शब्द है पाठशाला, तो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी। एक्सपर्ट सारे आपके साथ में हैं जिनको आप देखना सुनना समझना चाहते हैं। आइए आज का टॉपिक हमने रखा है कि क्या आपने मिडकैप के महाकुंभ में डुबकी लगाई है। ये है सवाल, लगाई है तो क्या आपको आनंद आया है? आनंद आया तो क्या आप अभी तक पानी के अंदर ही हैं या बाहर आ चुके हैं, और क्या अभी तक आप किनारे पर बैठकर देख तो नहीं रहे? ढेर सारे सवाल हैं, आइए इन सवालों के जवाब लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन मिडकैप के इस माहौल में बंसल जी ने कहा कार्यक्रम की शुरुआत तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही करूंगा, तो बंसल जी ओवर टू यू। देखिए अनिल जी, एक तो मैंने मिडकैप के लिए दो लाइनें लिखी अनिल जी, जैसे आपने बोला मिडकैप का महाकुंभ अनिल जी, तो अनिल जी महाकुंभ ऐसे नहीं बनाया। देखिए मिडकैप क्या है, मिडकैप उफ दो शब्द, मिडकैप क्या है उफ दो शब्द, हजार ख्वाहिशें, और अगर स्टॉक ना चले या गिर जाए तो बेहनता दर्द अनिल जी, तो मिडकैप ये है। ओवर टू अनिल जी। क्या बात है, वाह बंसल जी, इतनी रोज आप आजकल, मतलब मैंने एकाध शायरी तो लिख ही देते हो, इतनी शायरी के लिए बहुत अंदर दर्द चाहिए, बिना दर्द के आता नहीं है, ये दर्द आया कहाँ से? क्या कुणाल जी बहुत दर्द देते हैं आपको? नहीं देखिए अनिल जी, ये क्या होता है कि ये कमाल है अनिल जी, 30 ml का कोई दर्द वर्द नहीं है अनिल जी, आई एम हैप्पीली मैरिड, 30 ml का कमाल है ये। वाह जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैंने भी इस पर एक दोहा पढ़ा है मिडकैप पे। अनिल जी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले तो मिडकैप्स के साथ मुझे लगता है एक सौतेला व्यवहार होता रहा है अनिल जी। आम तौर पर देखिए जितने भी फंड्स होते हैं सभी लोग लार्ज कैप्स को सेफ मानते हैं, मिड कैप्स को अनसेफ मानते हैं, जबकि अनिल जी बहुत सारे ऐसे शोध हुए हैं जिसमें ये पाया गया है कि मिड कैप स्टॉक्स अगर आप सही से सेलेक्ट करते हैं और उनको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो लार्ज कैप के मुकाबले ज्यादा सेफ होते हैं। फिर भी एक भ्रांति चली आ रही है अनिल जी कि लार्ज कैप जो है ज्यादा सेफ होते हैं, और इस पर मैं टिप्पणी चाहूंगा बाकी लोगों की भी। एक अनिल जी रहीम जी का दोहा है कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, रहीमन देखिए बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई क्या करे तरवारी। तो अनिल जी देखिए जो मिडकैप स्टॉक्स हैं उनकी अपनी भूमिका है और उनको जो है अनदेखा नहीं करना चाहिए, और अनिल जी जो पैसा मैंने भी स्टॉक मार्केट में कमाया है उसकी मिडकैप से ही कमाया है, तो मेरा निजी बायस भी इसमें है। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे ही बड़े बनेंगे, बड़े तो और कितने बड़े होंगे भाई, छोटे बड़े बनेंगे, और इस लिहाज से जो दो एक्सपर्ट है ना उनके साथ में बड़ा अत्याचार होता है, जुल्म होता है, अन्याय होता है, और वो दो एक्सपर्ट है फंडामेंटल वाले। अब आपको लग रहा होगा फंडामेंटल एक्सपर्ट तो दो ही बैठे, एक आशु जी और एक संदीप जैन साहब जी, नहीं उनमें संदीप जैन साहब तो हैं, एक और विकास सेठी साहब कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उनको जोड़ रहे हैं, लेकिन उनमें आशु जी नहीं आते हैं। आशु जी का तो क्या है, आशु जी तो कहीं भी है ना ऐसा एंट्री कर लेते हैं, रास्ता बना लेते हैं, घुस जाते हैं, दिल्ली वाले हैं ना ये, है ना हमारे, जब भी जैन साहब और विकास जी आते हैं ना तो बैठे रह जाते हैं। ये सारे लार्ज कैप जो आप लोग हैं टेक्निकल और एफएनओ वाले एक्सपर्ट, उनके बीच में इनका नंबर ही नहीं लगता, तो कभी कभी ये मिड कैप का महाकुंभ जब बढ़ता है तभी जैन साहब की याद आती है। जैन साहब ये सही है कि गलत है बता दीजिए। बिल्कुल 2011-12 से मैं आपके साथ शोज कर रहा हूं, और आपको याद होगा मिड कैप और स्मॉल कैप का नाम ले तो आप सबसे पहले शायद मेरा नाम आ जाता आपके दिमाग में, तो मैंने तो मिड कैप स्मॉल कैप में मेरा तो एक गाना याद आता अनिल जी, मैं तो मेरे को जो रिक्वेस्ट मिली ट्विटर पे कि लोग बाग बोले थोड़ा सा तबला और बजा देना, जेम्बे और बजा देना, तो मैं एक गाना गा देता हूँ इसके ऊपर। दिल में हो आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं सजदा करूं जैसे कहो वैसे जाऊं। मतलब मेरी जान है मिड कैप और स्मॉल कैप अनिल जी, इसलिए ये मैंने गाना एप्ट लगा मुझे कि दिल में आंखों में माइंड बॉडी सोल में सब 100% में कुछ सवाल है। हाँ बस खाली है ना, आप दूसरी लाइन इसको चेंज कर लीजिए, दिल में हो तुम आंखों में, उसमें दूसरी लाइन जैसे एक शेयर खरीदूं या पोर्टफोलियो बनाऊं, बोलो बताओ तुम्हें कैसे खरीदूं, तो खरीदते रहे आप मिडकैप, वो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, मिडकैप के लिए आपका प्यार वहाँ जग जाए। हाँ इस बीच कुछ कुणाल जी ऑब्जेक्शन ले रहे थे, कुणाल जी बोलिए।
जी अनिल जी, देखिए जो अभी आपने कहा कि भाई फंडामेंटल एनालिस्ट के साथ अन्याय होता है, अनिल जी ये सरासर गलत आपका वक्तव्य है। सबसे ज्यादा अन्याय अनिल जी हिस्टोरिकली टेक्निकल एनालिस्ट के साथ होता रहा है और फंडामेंटल एनालिस्ट को ही सबसे ज्यादा तरजीह मिलती रही है। तो अनिल जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं, विक्टिम्स तो हम हैं। अच्छा ओके, मोर्चा निकालो फिर। अच्छा विश्वेश जी, जी 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 विश्वेश जी, विश्वेश जी की विशेष टिप्पणी बताए विश्वेश जी। सर जी, फंडामेंटल वालों के साथ तो सबसे ज्यादा यू नो अपना वाला व्यवहार होता है, अगर चला तो उनकी रिकमेंडेशन है, गिरा तो हमारा तो कोई स्टॉप लॉस नहीं, लॉन्ग टर्म अच्छा ही अच्छा है। तो जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं टेक्निकल, वो बेचारे कमा के भी दे, स्टॉप लॉस भी बना के दे, उसके बीच में नीचे आया तो भी बोलता हूँ अभी खरीदो, ऊपर गया तो कहाँ बुक करो। इनका तो क्या है, लॉन्ग टर्म स्टोरी है सर, खड़े रह जाइए आप, और अगर नीचे चला गया तो लॉन्ग टर्म स्टोरी है, उसके बीच में जो हो वो अपनी नसीब की मेहरबानी। तो एक बहुत अच्छा शेयर है सर, मैं कहना चाहूंगा, अच्छा? अगर वक्त एक जैसा होता तो इंसान की पहचान कैसे होती। तो यही शेयर मार्केट में एप्लीकेबल है, अगर वक्त एक जैसा, मतलब वक्त को आप कर दिए ट्रेंड, अगर ट्रेंड एक जैसा है होता तो स्टॉक की पहचान कैसे। समझ गया। पहचान तो मिड कैप की तभी। सर आपने तो इतनी शुद्ध हिंदी में शेयर बोला है, हम तो उर्दू वाला भी समझ जाते हैं। अगर दाम एक जैसा होता तो शेयर की पहचान कैसे होती है, राइट? यही आपका शेयर है। विकास जी इसका जवाब आप तैयार रखिए, उससे पहले एक बार मैं जल्दी से आशु सर के पास पहुंचता हूँ, फिर विकास जी के पास आ रहा हूँ। जी आशु सर। अनिल जी दो चीजें बोलनी है, एक तो आपने इफेक्ट देखा चार्ट कॉर्नर की जोड़ी का, कि एक पहेली बुझा रहा है और दूसरा दोहे बोलने लग गया है। तो अनिल जी अभी पहेली और दोहों के बीच में हम कहीं खोने वाले हैं, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, चेक रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज अनिल जी, ये कुणाल जी जो कहते हैं कि ये टेक्निकल एनालिस्ट, मैं सबके बारे में तो नहीं कहता क्योंकि बुरा लग जाता है, बट अगर कुणाल जी के साथ कभी कभी बुरा हुआ है अब इनको इफेक्ट नहीं होता तो होना चाहिए। कितने हमेशा जब ये मतलब कितनी बार मुझे सपोर्ट करते हैं कि बहुत ही अच्छा सिमेट्रिकल ट्राइंगल बना है और ये बिल्कुल मैं मेरे साथ हूँ, तो उसमें अनिल जी कई बार मेरे को भी मरवा देते हैं, खुद भी मर जाते हैं, और ट्राइंगल कैसे स्क्वायर बन जाता है मुझे नहीं पता, तो इनको ब्लेम तो लेना पड़ेगा अनिल जी, वो ट्राइंगल के बाद भी शेयर नीचे आ जाता है फिर वो। देखो भाई साहब ऐसा है, हमने तो ट्राइंगल है ना खाली फिल्मों में बनते हुए देखे, और फिल्मों में जब ट्राइंगल बनते हैं तो एक को तो मरना पड़ता है, किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ती है। तो आप एक चीज समझ लीजिए, आपका ट्राइंगल अगर बना तो बंसल जी, कुणाल जी और आशीष में से कुर्बानी तो आशु जी ही देंगे, ये मानकर चलिएगा। और अगर आपको इस पे कोई डाउट हो तो बंसल जी के साथ 5-10 पिक्चर देख लीजिए बॉलीवुड वाली, आपको सब समझ में आ जाएगा ट्राइंगल में क्या होता है। जी विकास जी जवाब दीजिए इसका, विश्वेश जी का जवाब विकास जी के द्वारा। जी नहीं अनिल जी बिल्कुल, पहले तो आपने जो ओपनिंग नोट में कहा कि आशु मदान जी एक फंडामेंटल एनालिस्ट है, तो वो तो मुझे एक्चुअली जब मैं मिला इनसे स्टूडियो में तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि ये फंडामेंटल एनालिस्ट है, नहीं तो जिस तरह की ये कॉल्स देते हैं कहीं से लगते हैं कि ये फंडामेंटल देखते भी नंबर। और दूसरा जहां तक हम फंडामेंटल एनालिस्ट की बातें हैं, तो हम जब टीवी पे होते हैं ना तो हमारा काम तो सुबह जब मैं आपके शो पे होता हूँ तो बाजार शुरू होने के पहले तक ही रहता है, बाजार एक बार शुरू हो गया जब भाव आने लग गए, प्राइस दिखने लग गए, उसके बाद तो हम अगर बैठे भी रहते हैं ना एक घंटा तो हमारा नंबर ही नहीं आता। आपने सही कहा बिल्कुल, आई गो एग्जैक्टली। और बाकी जो ये कह रहे थे कि जो हम जो कॉल्स देते हैं और उसके बाद वो कॉल्स मतलब टारगेट अचीव हो गए तो वाह वाही हो जाती है और स्टॉप लॉस हम देते नहीं है, तो उसका तो जो एडवांटेज है वो बिल्कुल है ही है। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। Absolutely. अच्छा वागले साहब ये बताइए, डुबकी एक मिनट मैं एक बार वागले साहब के पास, वागले साहब ये बताइए, आप तो आमतौर पर ना एथेनॉल स्टॉक्स ही पकड़ते हैं, ठीक है, बहुत कम आपके कैश के स्टॉक्स आते हैं जैसे गुजरात गैस टाइप के जो 200-225 वाले इतने बढ़ भी गए, बहुत कम आप ऐसे देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मिडकैप का महाकुंभ भरा है, मैं डुबकी लगाने से रह गया, बाकी सब तो एकदम फर्स्ट क्लास ना धो के निकल रहे हैं? नहीं अनिल जी मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है मिड कैप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन ये एक डबल एजेड स्वर्ड है, अगर आपको वो समझ में आया और आपका टाइमिंग सही हो गया तो वो रिटर्न जो आप मिड कैप्स में कमाते हो वो एफएनओ से कई ज़्यादा हो सकते हैं। फिलहाल वो दौर अभी हमारे पास अभी चालू हुआ है, अभी और लास्ट होगा, लेकिन कोई भी लेवल पे आप अगर मिड कैप्स लेते हो तो आप फंस भी सकते हो।
आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए, वो वाले मिड कैप्स आइडेंटिफाई करना करने चाहिए। मैं थोड़ा सा सीरियस मोड पे ये डिबेट को ले जाना चाहता हूँ। जो मिड कैप्स में आगे चलकर लार्ज कैप होने की पोटेंशियल है, अगर आप ऐसे आइडेंटिफाई करो और इसमें टेक्निकल बोलो या फंडामेंटल दोनों का नॉलेज होना ज़रूरी है, और अगर ये आप करो तो रिटर्न्स कैन बी अनलिमिटेड, रिटर्न्स कैन बी माइंड बॉगलिंग। लेकिन अगर ये तो लंबे टाइम में बनता है, जो तुरंत फुरंत में मिड कैप में जो रिटर्न बनाने का फॉर्मूला है ना, वो सुमित जी के पास है। सुमित जी, ये आप जब सैटेलाइट छोड़ते हो तो उस सैटेलाइट में क्या देखते हो, उसके अंदर कौन सा वो ईंधन भरा हुआ है कि मतलब इसमें जैसे बटन दबाओगे ये पूरा एकदम सीधा अंतरिक्ष की कक्षा में जाके स्थापित हो जाएगा, क्यों सुमित जी, क्या ऐसा क्या होता है आपके मिड कैप्स में? धन्यवाद अनिल जी, सबसे पहले तो मौका तो आया मेरा, मैं कब से वेट कर रहा था। तो अनिल जी, मैं शुरुआत चार लाइनों के साथ करता हूँ, फिर जवाब देता हूँ। तो अनिल जी, ऐसा है, रेस चाहे गाड़ियों की हो, अनिल जी ऐसा है, रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की हो, जीतता वही है जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की हो, जीतते वही है जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। अब शेयर मार्केट में और जो ऑटोमेटिक गाड़ी लेके जो ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हैं उनका क्या? सुमित जी, आप जैसे सैटेलाइट वाले जो ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हैं उनका क्या? अनिल जी, उनको बिना गियर वाले, अनिल जी उनको भी पॉज लेना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा, यूटर्न लेना पड़ेगा। तो अनिल जी, अब ऐसा है कि मार्केट में फंडामेंटल टेक्निकल सबकी अपनी अपनी अहमियत है। ये जो सैटेलाइट को अनिल जी जो निकालते हैं चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट देख के ही निकालते हैं, लेकिन इसको सैटेलाइट बनाता है जी बिजनेस, और जी बिजनेस के दर्शक उनकी वजह से ये सैटेलाइट बन जाता है। अच्छा, अभी जो सुमित जी आपको फीलिंग आ रही थी ना कि अब फाइनली मेरा नंबर तो आया, अब सोचो विकास जी को और संदीप जी को कैसी फीलिंग आती होगी। आपको 15 मिनट में, जिसमें 15 मिनट में अभी तो एंटरटेनमेंट पूरा हो रहा है, आप सोचो वो 10 से 11 के बीच में ये बैठे हैं और इधर कोई है ना किसी के 10 की कमाई के कॉल आ रहे हैं, कोई मैनेजमेंट का इंटरव्यू चल रहा है, कोई SPL चल रहा है, उसके बाद आप है ना बीच बीच में अगर फेस देखें ना आप जैन साहब का, ऐसे उतरा हुआ दिखता है मतलब जैसे किसी ने मार पीट के जबरदस्ती बिठाया हो क्लास में, वैसा है। तो आपका तो फिर भी टाइम नंबर आ गया अनिल जी, फंडामेंटल का मतलब है पेशेंस के साथ बैठो, तो वो एकदम अपना सही रोल प्ले कर रहे हैं, पेशेंस के साथ बैठ के धीरे धीरे कॉल देते हैं। सही जवाब, ये जवाब परफेक्ट है। अब मुझे फॉर्मूला मिल गया। अब कोई भी फंडामेंटल एक्सपर्ट बोलेगा मेरा नंबर नहीं आया, तो मैं बोलूंगा सुमित जी ने बोला पेशेंस के साथ बैठो, लेकिन फंडामेंटल एक्सपर्ट नहीं होते हुए भी पेशेंस के साथ बैठे हैं हमारे किरण जी, और अब किरण जी हाथ भी खड़ा करें तो किरण जी के पास बोलना। जी किरण जी, अनिल जी, टाइम्स चेंज, मुझे याद है 2000-2005 तक टेक्निकल एनालिस्ट बैठे रहते थे दिन भर इंग्लिश चैनल पे, अभी TV18 पे हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस आप पहले आवाज पे थे, उधर भी सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में ही बात होती थी। 2010 के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया, जो 2008 में जो गिरावट आ गई उससे काफी चेंजेस आ गए। तब टेक्निकल्स नए नए थे, तब एक नया आविष्कार होता नजर आ रहा था और लोगों ने टेक्निकल्स का महत्व समझा। तो मेरा मानना है कि वो जो टाइम्स चेंज हो रहे हैं तो उसके चलते फंडामेंटल एनालिस्ट 2 घंटे बैठते हैं और 2 मिनट बात करते हैं, और टेक्निकल्स का पैनलिस्ट बहुत बड़ा होता है इसके लिए बहुत, और ब्रेकआउट भी आजकल बहुत आ रहे हैं, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, तो कुल मिला के जो वॉल्यूम्स और जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है इसकी वजह से टेक्निकल्स का महत्व अभी बढ़ने लगा है और भी बढ़ेगा। ये बात अच्छा आशीष जी, ये 2008 की मंदी में ही है ना सारी फंडामेंटल एक्सपर्ट्स की पोल खुली थी क्या? तब पता चला कि कोई फंडामेंटल नाम की चीज नहीं होती है मार्केट में। अनिल जी, अभी भी तो हुआ है 12,500 से 7,500। अनिल जी, सुमित ने जो जब जो सुमित ने शेयर बोला ना, उसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ कि जीता जिंदगी में और वही है जो राइट टाइम पे गाड़ी के गियर नहीं, जो शेयर भी गियर नहीं, शेयर भी बदलता है। तो अनिल जी, शेयर बदलना बहुत जरूरी होता है इस मार्केट के अंदर,
और अनिल जी ये जो 2008-09 का जो पोल खुली है, जो फोबिया था ना, ये जो जैन साहब बता रहे हैं 11-12 से लेके 2020 तक अनिल जी ये मिड कैप वाले और फंडामेंटल वाले वेट करते रहते हैं, और पहले 3-4 साल तो वैसे निकल गए, थक गए, उसके बाद कभी वो बोलते हैं कि इस साल हमारा, जैसे वो किसान बोलता है ना फसल नहीं सही हुई, इस साल वो डिमोनिटाइजेशन हो गया, इस साल वो LTCG आ गया, इस साल वो क्या कहते हैं GST आ गया, अब इस साल कोविड आ गया, तो मतलब किसान की फसल ही नहीं होती है सर। तो मेरा मानना अनिल जी, जैसे सेठी साहब ने कहा फंडामेंटल एनालिस्ट, मुझे सर फंडामेंटल एनालिस्ट होते हुए भी सिर्फ इस चीज से परहेज है कि उसमें ना अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी का मतलब देयर हैज टू बी अ टाइमलाइन, देयर हैज टू बी अ प्राइसलाइन। इनडेफिनेटली जो सब कुछ ओपन होता है ना अनिल जी, वो तो फिर वो हवा की बात है, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है किसी भी तरह की। जैसे वागले जी ने ही बोला कि कुछ मैं पक्का बिल्कुल आपकी बात मान ली, और मैं आपकी अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश करूंगा आशुतोष, लेकिन उससे पहले बंसल जी की विशेष टिप्पणी आ रही है। जी बंसल जी देखिए अनिल जी, ये तो मस्ती चलती रहेगी। अनिल जी एक चीज देखिए, मैंने ट्वीट भी करा था कि देखिए आपके अनिल जी जमाने में, विकास सिटी जी के जमाने में, आशु मदान जी के जमाने में एक मूवी आई थी, जमाने से मतलब है आप जब कॉलेज में होंगे, एक मूवी आई थी शान, उसका गाना था आते जाते सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। तो आशु जी आपसे पूछना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि ये जी बिजनेस के अब्दुल कौन है, उसमें थोड़ी रोशनी डालें। अरे बंसल जी, इसमें जी बिजनेस के नहीं ना, मैं कह रहा हूँ पूरे पूरे अब देखिए ये, अब राकेश जी ये अनिल जी मेरे पे ना गुगली फेंक रहे हैं, लेकिन मैं तो बहुत डिफेंसिव स्ट्रोक लूंगा इस पे, तो मेरे लिए और पूरे देश के लिए अब्दुल तो अनिल जी हैं बिल्कुल, जो सबकी खबर रखते हैं। देख न्यूज के बिजनेस में अगर खबर नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा। कुणाल जी खबर रखना जरूरी है कि नहीं बता दीजिए, आप कुछ कहना चाहते थे जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी, न्यूज की नहीं, हर एनालिस्ट की खबर रखते हैं अनिल जी, एनालिस्ट की खबर रखते हैं अनिल जी। तो मेरा तो फॉर्मूला वही है कुणाल जी, जो मैंने बहुत अच्छा ये बहुत अच्छा कोर्ट पढ़ा था मैंने, उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई एक अच्छा वकील वो है जो कानून जानता है, लेकिन सबसे बढ़िया वकील वो है जो जज को पहचानता है। तो मैं ना आपके कॉल से ज्यादा आपको पहचानने की कोशिश करता हूँ कि कुणाल जी, राकेश जी। अच्छा अभी आज भी हम जब मस्ती कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों को मैसेज आ रहे थे आपने बंसल जी के बारे में, अरे प्रॉब्लम आप समझ नहीं रहे हो, प्रॉब्लम क्या बंसल जी है ना, बहुत कई बार है ना बॉल ऐसी डालते हैं ना कि अपने आप है ना आदमी 3 कदम आगे निकल के है ना सिक्स मारने की कोशिश करता, अच्छा उसमें अगर 9 बॉल हो जाए तो अगर उसमें अगर आदमी शॉट नहीं मारेगा तो कब मारेगा। कुणाल जी सही है कि गलत बताओ। अनिल जी बिल्कुल ठीक है, अनिल जी देखिए आप डक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बाउंसर आप पर वागले साहब ने लास्ट टाइम फेंका था, आपने पिछली बार कॉपी गुम होने की बातचीत करी थी, अनिल जी कॉपी मिली या अभी भी गुम है? हेलो, आवाज नहीं आ रही है कुणाल जी की, कॉपी मिली नहीं है, आवाज नहीं आ रही है, लेकिन एक्चुअली है ना वो शेर शायरी, तो आप सोचिए आपने मुझे बोला तैयारी करके आ गई सुमित जी, आपने मुझे बोला तैयारी करके आ गई विश्वेश जी, इवन आशु जी ने भी शेर मार दिया, तो मतलब इतने शेर मार रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो मेरे तो रिजर्व हैं, चिंता ना करें, जब शेर प्रजाति लुप्त होने की कगार पे होगी तब मेरे शेर में बाहर निकाल लूँगा। वागले जी का कोई दिया हुआ मेरा वादा याद है। हाँ एक बार जैन साहब कुछ कहना चाहते, जी जैन साहब। देखिए अनिल जी, वापस से आपने फंडामेंटल एनालिस्ट लोग के साथ वो कर दी, फिर से बेटर रह गए हम तो, देखिए हाँ चांस मिला ही नहीं ना हमें वापस से। बट एनीवे अभी आपका जो उसका एक सॉल्यूशन, जी 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 जैन साहब बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिस्ट ऐसे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा काम करते हैं, हम लोग टारगेट्स देते हैं, टाइम लाइन भी देते हैं, 6 से 9 महीने, 25 से 30% के टारगेट्स, कई बार ऐसा होता है कि छोटे टारगेट्स दे के निकलवाते हैं और ब्लेंड करते हैं फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स विद ऑप्शंस। तो आजकल क्या सारी चीजों का समावेश होना पड़ता है, सिर्फ टेक्निकल्स आता है वो भी नहीं चलता है, सिर्फ फंडामेंटल्स आता है वो भी नहीं चलता है, और ऑप्शंस नहीं आए तो वो भी नहीं चलेगा। तो एक मैंने बहुत बड़ा इसी के ऊपर एक वेबिनार किया था अनिल जी, और ये टॉपिक को बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी मिली, थोड़ी सी सीरियस स्टॉक है। तो मैं जब भी मेरे पास फोन आते हैं जो मैं नंबर ट्विटर पे शेयर करता हूं, और लोग बाग कल मेरी मजाक भी उड़ा रहे थे, तो मैं इसीलिए करता हूं कि लोगों को समझाना चाहता हूं कि सिर्फ एक चीज सीख के मत आइए, यहां अगर डुबकी लगानी है इस महाकुंभ में इस मिड कैप के, और मिड कैप ही लार्ज कैप बनते, बहुत सारे स्टॉक्स मुझे याद है
मिड कैप भी थे, वो छोटे छोटे कैप्स थे, वो एफएनओ में आए और आज निफ्टी के भी पार्ट बन गए। श्री सीमेंट ऐसा स्टॉक था, मतलब आज निफ्टी का पार्ट बन गया, जो छोटा सी कंपनी थी 3,000 करोड़ की कंपनी थी और आज आज अच्छी खासी 50,000 करोड़ की कंपनी है। उन लेवल्स पे वो किया था जैसे वाले बोला। एनीवेज मैंने समय ज्यादा ले लिया अनिल जी, बट लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, मैं मेरे जेम्बे के साथ एंड करना चाहूंगा, आप एक मिनट का मौका दीजिए। नहीं नहीं, वो तो अंत तो आपको, वो तो फंडामेंटल एक्सपर्ट ही लास्ट में रहेगा, लेकिन सुमित जी उसके पहले सुमित जी अपनी राय रखना चाहते हैं। जी सुमित जी बोलिए। अनिल जी देखिए, मार्केट्स का एक लास्ट एंडिंग नोट कर देते हैं। मार्केट्स में वॉलिटिलिटी ऐसे ही रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस चलते रहेगा, स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, स्टाइल सही होनी चाहिए और यूटर्न लेना आना चाहिए। अब अनिल जी चार लाइन बोलने चाहूंगा जिन लोगों को गम है, दुख है लाइफ में या शेयर मार्केट में, उन लोगों के लिए प्लीज सब लोग गौर से सुनिएगा। हाँ, बताओ बताओ। जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब है, जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब है जिसमें जीने की ख्वाहिश होनी चाहिए। जी जी जी, बहुत बढ़िया हो गया। अरे हो गया क्या? अरे खत्म हो गया? अच्छा सॉरी सॉरी सुमित जी, मुझे लगा दो लाइन और आने वाली है, बहुत जल्दी। जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब है जीने की ख्वाहिश है, मुझे लगा दो लाइन और पीछे आने वाली है। छोटा सा शेर था, कोई बात नहीं, ये शेर नहीं, ये शेर का बच्चा था। अगले हफ्ते सुमित जी आपके सामने पूरा शेर लेके आएंगे, बाकी बचाओ अभी बाकी 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 बच्चा शेर आपके सामने अगले अगले जी। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया जी सुमित जी, तो फिर पूरा शेयर कीजिए आप अपना। अब वो बच्चे ही पूरा आधा ही आया था अभी तक। जी अनिल जी कनेक्ट हो गया, एक सेकंड, 10 सेकंड में बोलता हूँ। जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब है जिसमें जीने की ख्वाहिश होनी चाहिए। जी गम खुद ही खुशियों में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। वाह, और मुस्कुराने की आदत, और ये तो हंसी खुशी के पल तो आपको मिलते हैं सिर्फ जी बिजनेस पर। देखिए हम कभी दावा तो करते नहीं कि आपको करोड़पति अरबपति लखपति ये बना देंगे, कौन सा। हाँ आप धन के एक पति बन जाएं अपनी ज़िंदगी में, वही अपने आप में आप अचीवमेंट मानकर चलें कि अच्छे पति आप बन गए, बाकी पति तो आपकी श्रद्धा पर है, आपकी हिम्मत पर है, आप क्या बन सकते हैं। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जो पति हैं देश भर के, अगर वो पति इस चीज़ को मिस करते हो कि वो हंस नहीं पा रहे, तो फिर वो हमारा शो जरूर देखें। पैसे आपके बने न बने वो आपका नसीब है, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट तो रहेगी, जो कह रहे हैं सुमित जी मुस्कुराहट हम लगातार आपके लिए बनाते रहेंगे हर हफ्ते फिर से 3:30 बजे मस्ती की पाठशाला। लेकिन जाने से पहले जैन साहब का वो जैन साहब आपका उसको जो खड़ा हुआ तबला उसको क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में, वो जाते जाते होना चाहिए। एक मिनट, उससे पहले एक मिनट जल्दी से विश्वेश जी 10 सेकंड में कुछ कहना चाहते हैं। जी विश्वेश जी जल्दी से बोलिए। ये विकास जी के लिए था, एक्चुअली विकास जी और मैं साथ थे वो बजट वाले शो में, आशु जी आए और आशु जी बैठ गए विकास जी के बाजू में और विकास जी ऐसे अचंभे से देख रहे कि वो डेरिवेटिव वाले हैं टेक्निकल वाले कि फंडामेंटल वाले, वो अभी तक डिस्कस कर रहे थे। तो विकास जी ने बोला कि मैं जिंदगी भर ये सोचता था कि डेरिवेटिव वाला बंदा है, मेरे पास जाकर पता चला टेक्निकल ये फंडामेंटल है और मैं आज तक कंफ्यूज हूं। तो मुझे सीन पे बहुत हंसी आई थी और आज तो आपका विकास जी आपका कंफ्यूजन बिल्कुल, विकास जी और विशेष जी आपका कंफ्यूजन आशु को लेकर बिल्कुल जायज अपनी जगह ठीक है। जितना आपका कंफ्यूजन है उतना ही आशु जी का खुद का भी है कि वो क्या है। आशु जी अपनी स्वयं की खोज में लगे हैं, ढूंढ रहे हैं अंतरात्मा में, जाग कर देख रहे कि मैं क्या हूँ। जिस दिन आशु जी को पता चल जाएगा मैं ये वाला एक्सपर्ट हूँ, आशु जी जरूर बताएंगे, उसके लिए हम करेंगे अगले हफ्ते तक का इंतजार। तब तक जल्दी से जैन साहब जरा हो जाए। जी जैन साहब चलिए इसी तरह से आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ वीकेंड अच्छे से मनाइए घर पर, और अगले हफ्ते सोमवार सुबह आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हैव अ नाइस वीकेंड, बाय बाय।